हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 एनसीईआरटी का 8th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसके पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको बैक्टीरियल, वायरल, हेलमिंथिक, फंगल, प्रोटोजोअन डिजीज़, ये सारे डिजीज़ मैंने आपको बताए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का सीधा मतलब है डिजीज़ रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, मतलब जितने भी पैथोजन हमारे शरीर में अटैक करते हैं वो सीधे सीधे हमको बीमार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उनको फेगोसाइटोसिस द्वारा या एंटीबॉडीज के द्वारा वो किल कर देता है और हमारी बॉडी बीमार पड़ने से बच जाती है। इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसके भी दो टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एक है इननेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल एटमॉस्फेयर के जैसे कॉन्टेक्ट में आएगा, लगातार उसके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे जो पैथोजेंस हैं वो अटैक करने लगते हैं। लेकिन पहले 6 महीने तक बच्चे की जो सुरक्षा करता है वो माँ का दिया हुआ जो एंटीबॉडीज़ हैं और जो दिए हुए डिजीज रेजिस्टेंस हैं वो उनकी सुरक्षा करता है, उस बच्चे की सुरक्षा करता है। ठीक है, वैसे जो है सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा करता है वो है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यानी गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। ये मदर से बच्चे को मिलता है प्लेसेंटा के माध्यम से और यही अगले 6 महीने तक बच्चे की सुरक्षा करते रहता है। इस बीच में बच्चे की खुद की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। However, only a few of these exposures result in disease. लगातार हजारों टाइप के बैक्टीरिया, वायरस अटैक कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कितना तेज़ी से अटैक हो रहा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है, अब उसका बॉडी जो है डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं कर पाता है, उनको नहीं मार पाता है, तो 2-3 दिन में ही बॉडी इतनी सड़ जाती है कि उसमें से बदबू आने लगता है, और अगर 10 दिन वैसे ही छोड़ दिया जाए तो मेल्ट होने लगता है। तो आप समझिए कितने तेज़ी से बैक्टीरिया उस पर वर्क कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति जिंदा है तो उसको कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्हीं सब बैक्टीरिया वायरस से उसका शरीर जो है, उसका रेजिस्टेंस जो है, उसकी रक्षा कर रहा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इट्सेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। इसी को डिजीज रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी जो है हजारों प्रकार के बैक्टीरिया को, वायरस को, प्रोटोजोअन्स को और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पहचानता है, जन्म से पहले से ही पहचानता है, और जन्म के बाद तो लगातार वो अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करता है, और लगातार जितने भी टाइप के बैक्टीरिया वायरस अटैक करते जाते हैं उनके लिए अपना रेजिस्टेंस वो बनाते जाता है, डेवलप करते जाता है। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए, इननेट का मतलब होता है मिला हुआ, माँ बाप से, पेरेंट्स से मिला हुआ इम्यूनिटी, ठीक है, जन्मजात इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी शुरू से रहती है अपने बॉडी की सुरक्षा के लिए वो इननेट इम्यूनिटी है, और बाद में हम लोग, एक्वायर्ड का मतलब हमारा उपार्जित है, हमारा कमाया हुआ है, हमारा डेवलप किया हुआ है। तो जो इम्यूनिटी हम अपनी मेहनत से अपने शरीर में डेवलप कर लेते हैं वो कहलाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जन्म के बाद मौत होते तक, बूढ़े होकर मौत होते तक ये प्रक्रिया चलती है, और लगातार शरीर जो है नए टाइप के बैक्टीरिया और वायरस अगर शरीर में आ रहे हैं तो उनके प्रति वो इम्यूनिटी डेवलप करते रहता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो अब वो अपनी इम्यूनिटी को नहीं डेवलप करेगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी डेवलप करने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि उसकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, इसलिए शायद वो कम के लिए डेवलप कर पाता है, या जो डेवलप कर चुका है उसके लिए भी ठीक से वो एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, ये अलग बात है, लेकिन कोशिश वो तब भी जारी रखता है। तो पहला है इननेट इम्यूनिटी, जो हमको जन्म से मिलता है, चाहे किसी भी रूप में मिलता हो वो हमारे लिए इननेट इम्यूनिटी है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जन्म से मिलता है और नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक कैसे, मतलब अभी ये किसी पार्टिकुलर बैक्टीरिया, किसी पार्टिकुलर वायरस को नहीं पहचानता है, वो सबके लिए जो एक बराबर टाइप से रोग अपने शरीर में बना के रखा है उसे हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। दिस इज एकम्प्लाइज बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इन टू आवर बॉडी। तो एक्चुअली ये एक प्रकार का अवरोध है, एक प्रकार का बैरियर है जो शरीर के बाहर से लेकर के अंदर तक रहता है, और ये शरीर में घुसने वाले, प्रवेश करने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं या दूसरे पैथोजन हैं उनको ये रोग भी देता है और कुछ को किल भी करता है। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। अब ये कौन कौन से बैरियर्स हैं, तो पहला है फिजिकल बैरियर। देखिए,
फिजिकल बैरियर का मतलब है सीधे सीधे डायरेक्ट, है ना, जो हमारे शरीर में बैरियर है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्किन। आप देखे होंगे कि स्किन जैसी कहीं से कट जाती है तो तुरंत हम लोग कोई एंटीसेप्टिक डेटॉल या सेवलान जैसी चीज़ खोजते हैं लगाने के लिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा घबराएं ना, आपके घर में हल्दी रहता है वो आप लगा दें। और कहीं ऐसे जगह हैं कि इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा सेलाइवा जो है थूक निकाल के लगा दीजिए, इसमें बहुत अच्छे प्रकार का लाइसोजाइम एंजाइम रहता है। तो स्किन जैसी कटी तो वहाँ से बैक्टीरिया वायरस एंटर करना शुरू कर देते हैं। मतलब स्किन सोचिए कि शरीर में एंटर करने वाले बैक्टीरिया वायरस के लिए कितना बड़ा ये बैरियर का काम कर रहा है, कि छोटे से कट से हम लोग घबरा जाते हैं कि कितना बैक्टीरिया वायरस यहाँ से एंटर कर रहा होगा। ऐसा स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो है म्यूकस। म्यूकस कहाँ कहाँ है देखिए, हमारे जो नाक है यहाँ से लेके फेफड़े तक लंग्स तक पहुँचते तक म्यूकस है पूरे रास्ते में। ये म्यूकस मेन ये करता है कि जो डस्ट पार्टिकल हैं, पैथोजन्स हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी चीज़ें हैं उनको ये अपने में ट्रैप कर लेता है। तो ज़्यादातर तो नाक में ही ट्रैप हो जाते हैं, जो बचे तो वो ट्रेकिया ब्रोंकस ब्रोंकाई में ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस लेयर में। बाद में इस म्यूकस लेयर को बाहर निकाल दिया जाता है और ईसोफेगस में भेज करके वो स्टमक में चला जाता है, फिर डाइजेस्ट भी हो जाता है खराब म्यूकस, है ना। तो ये जो म्यूकस लेयर एक तो नाक वाले रास्ते में है, ठीक है, ये देखिए कहाँ कहाँ है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जो हमारा ये जो गला है मतलब ईसोफेगस है वहाँ से लेके पूरे एलिमेंट्री कैनाल की दीवार अंदर से म्यूकस से कवर्ड है, ठीक है। एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल यूरिन प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। मेल में तो यूरेथ्रा दोनों काम करता है, सीमन पास करने के लिए भी यूरिन पास करने के लिए भी। फीमेल में यूरेथ्रा और वेजाइना का अलग अलग रास्ता है जो रिप्रोडक्शन और यूरिन पास करने के लिए अलग अलग होता है। इनमें भी म्यूकस का लेयर है और ये भी बैक्टीरिया वायरस को उस रास्ते से जाने से रोकता है, विशेषकर फीमेल की वेजाइना में। तो इस तरह से फिजिकल बैरियर सीधे सीधे शरीर में जाने वाले बैक्टीरिया वायरस को रोकने का काम करते हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखिए सबसे पहला है हमारे स्टमक का एसिड HCl। HCl जो एसिड रहता है हमारे इसमें स्टमक में, इसका pH होता है 1.5 से 2.5, यानी बहुत हाईली एसिडिक है। उतने हाईली एसिडिक में भोजन या पानी के द्वारा जो पहुंचा हुआ बैक्टीरिया वायरस जो भी चीज़ है पैथोजन वो उस एसिड में ही पड़ते ही मर जाता है, इतना पावरफुल एसिड होता है। बहुत कम ऐसा केस होता है कि वो वहाँ बच गया और आगे पहुँच गया और आगे पहुँच करके वो आपको कोई बीमारी पैदा कर दे रहा हो। लेकिन एक बात है कि जितने भी हेलमिंथ है ना, जो एस्केरिस वगैरह है या इस टाइप के जो भी वर्म है उनका सिस्ट जो है HCl से अफेक्टेड नहीं होता, वो रेजिस्टेंट होता है उससे। सेलाइवा इन द माउथ, अभी मैंने आपको बताया था कि कट लग जाए तो आप थूक निकाल के लगा लीजिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रकार का लाइसोजाइम है। वैसे टीयर है, आंसू इसमें भी है। और बताएं ये जो नाक से निकलने वाला म्यूकस है ना, इसमें भी लाइसोजाइम रहता है, इसलिए ये भी बैक्टीरिया वायरस को किल करते रहता है। और लाइसोजाइम एंजाइम की खोज तो इसी नाक के म्यूकस से ही हुआ था, वो बैक्टीरिया को किल कर रहा था। तो ये जितने भी एसिड हैं और लाइसोजाइम एंजाइम हैं, चाहे वो सलाइवा में, चाहे टीयर में, चाहे नेजल म्यूकस में, ये सभी जो है माइक्रोब्स को ग्रोथ करने से रोकते हैं और उनको मार देते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के ऐसे ऐसे सेल्स हैं जो पैथोजन्स को पकड़ के खा जाते हैं फैगोसाइटोसिस द्वारा और हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। इनमें कौन कौन से देखिए, ब्लड में जो WBC हैं ल्यूकोसाइट्स, उनमें एक तो है आपका न्यूट्रोफिल, दूसरे हैं मोनोसाइट, ठीक है, ये डायरेक्टली किल करते हैं। उसके बाद देखिए ब्रेन में एक होता है माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है, लंग्स में होते हैं डस्ट सेल, लीवर में होते हैं कुफर सेल, कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं हिस्टियोसाइट सेल्स। तो ये सारे सेल्स हैं जो हमारे शरीर में फेगोसाइटिक सेल्स का काम करते हैं और पैथोजन के आते ही उनको पकड़ के खा जाते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स ऑफ आवर बॉडी यानी WBC
लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इसका मतलब समझिए जिसके न्यूक्लियस का जो शेप है वो कई आकार में रहेगा, ठीक है। देखिए डब्ल्यूबीसी में जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, इनके जो डब्ल्यूबीसी ये जो तीनों नाम लिए, इनके न्यूक्लियस ऐसे लोब्यूलेटेड होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। तो ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट में भी विशेषकर न्यूट्रोफिल ये इसका फेगोसाइटिस का फेगोसाइटोसिस का काम करता है। एंड मोनोसाइट्स ये ए ग्रेन्यूलोसाइट है, तीन ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस कई लोब में बटे होते हैं। और दो होते हैं जो ए ग्रेन्यूलोसाइट होते हैं, उनमें एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट तो फेगोसाइटोसिस करता है, न्यूट्रोफिल के जैसा काम करता है फेगोसाइटोसिस, लेकिन जो लिम्फोसाइट होता है वो एक तो बी लिम्फोसाइट आपको एंटीबॉडी बना के देता है और टी लिम्फोसाइट भी डायरेक्टली वहाँ पर फाइट करता है और किल करता है। एंड नेचुरल किलर टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उनमें किलर टी लिम्फोसाइट ये काम करते हैं मारने का इन द ब्लड, एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज, जिसके बहुत सारे नाम बताया मैंने, माइक्रोग्लियल ब्रेन में, डस्ट सेल इसमें लंग में, लीवर में कुप्फर सेल, कनेक्टिव टिश्यू में आपका हिस्टियोसाइट्स, ये सारे ये सारे फेगोसाइटोसिस हैं, फेगोसाइटिक सेल्स हैं। एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ठीक है, ये सीधे सीधे किल कर देते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर्स। देखिए हमारे सेल्स में विशेषकर जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वायरस को ग्रो करने से रोकने के लिए और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने से रोकने के लिए उनमें एक विशेष प्रकार का केमिकल बनता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स। ये वायरस को ग्रो करने से रोकता है, तो इंटरफेरॉन विशेषकर वायरस के लिए ही बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाता है वायरस के इन्फेक्शन से इंटरफेरॉन, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब है कमाया हुआ, पाया हुआ, अपना पाया हुआ नहीं, कमाया हुआ, उपार्जित, पाया हुआ तो इननेट है जो अपने माँ बाप से मिला उसको। अब एक्वायर्ड हम कैसे कमाते हैं, अपने जीवन में हम कमाते हैं। अब कमाने का दो तरीका हो सकता है, एक या तो खुद का शरीर मेहनत करे और कमाए तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। देखिए ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ये विशेष तौर पर एंटीबॉडी से रिलेटेड है। जो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता है उससे रिलेटेड इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के वायरसेस और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन हैं जो हमारे शरीर में आते हैं, हर प्रकार के लिए, अलग प्रकार के लिए अलग टाइप का ही एंटीबॉडी बनता है। अगर वो वायरस या बैक्टीरिया थोड़ा सा भी म्यूटेट होकर के, थोड़ा सा भी चेंज होकर दोबारा बॉडी में आता है तो दोबारा उसके लिए नया एंटीबॉडी बनाया जाएगा। अगर 1000 प्रकार का वायरस है तो 1000 प्रकार का एंटीबॉडी, अगर 10000 प्रकार का है तो 10000 प्रकार का, पता नहीं कितने प्रकार के एंटीबॉडीज हमारे शरीर में फार्मूला बना के रखे हुए हैं एंटीबॉडीज का। तो एंटीबॉडीज को या तो हम अपना मेहनत करके बनाएं, ठीक है, तो एक्टिव रहेगा, लेकिन अगर हम दूसरे के शरीर में मेहनत कराएं, दूसरे के शरीर को हम उसके लिए स्टिमुलेट करें और जब वो एंटीबॉडी बना ले तो हम उस एंटीबॉडी को अपने शरीर में इंजेक्शन से लें जब हम बीमार पड़ जाएं। जैसे देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मान लो हमने अपने शरीर में पोलियो के लिए एंटीबॉडी बना लिया, उसके लिए फार्मूला बना लिया, तो ये हमारा एक्टिव इम्यूनिटी है, हमने खुद मेहनत किया। लेकिन मान लो कि ये एंटीबॉडी हम दूसरे एनिमल या दूसरे किसी के शरीर में बनवाएं, वो उस तरह से बनाए जैसे हम बना सकते हैं वैसा, और जब हमारे किसी बच्चे को पोलियो हो जाए तो हम उस एनिमल से एंटीबॉडी निकाल करके उस बच्चे में इंजेक्ट कर दें और उसका पोलियो ठीक हो जाए,
या टीबी ठीक हो जाए, या न्यूमोनिया ठीक हो जाए, या डिप्थीरिया ठीक हो जाए, या कोई भी चीज़ ठीक हो जाए, टिटनेस ठीक हो जाए, तो किसी बीमारी के लिए दूसरे के शरीर में एंटीबॉडी बना के निकाल के इंजेक्शन के रूप में रखें, और जब कोई बच्चा उस बीमारी से पीड़ित हो जाए तो हम उस एंटीबॉडी को लेकर के उस बच्चे को इंजेक्ट कर दें और वो बच्चा ठीक हो जाए। तो इसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि खुद का शरीर मेहनत नहीं किया है, वो एक्टिव नहीं है, वो दूसरे के शरीर से लिया है, इसलिए पैसिव है। अब इसमें भी एक्टिव और पैसिव में दो प्रकार के होते हैं। देखिए मैं पहले इसको आपको डिफ्रेंशिएट कर दूं। देखिए ये एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार का है, जैसा मैंने अभी बताया है ना, एक तो है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। ठीक है, एक्टिव का मतलब है कि ये सेल्फ बॉडी जो है अपनी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाए, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाए, और ये जो है अदर्स बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, अदर्स बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ये दोनों अंतर समझ गए आप मेरे हिसाब से, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव वाला भी दो प्रकार का है, हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन अब एंटीबॉडी कब बनाता है शरीर, देखिए मैं आपको बताऊं, जब कोई पैथोजन बैक्टीरिया वायरस से जो भी चीज़ है शरीर में अटैक करता है, तो हमारा शरीर उस पैथोजन के एंटीजन की पहचान करता है और उसको नष्ट करने वाला एंटीबॉडी बनाता है। ठीक, अब वो जो एंटीबॉडी बनाया उसके लिए कुछ समय लग सकता है ना, उसमें हो सकता है उस बीच में व्यक्ति बीमार भी पड़ जाए, लेकिन अगर एक बार एंटीबॉडी बन गया उस पैथोजन के लिए और एंटीबॉडी बना के हमने उसको मार दिया, तो वो एंटीबॉडी का जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारे मेमोरी टी लिम्फोसाइट में स्टोर हो जाते हैं, और कभी फिर अगर वो बैक्टीरिया या पैथोजन अटैक किया तो दोबारा हम उस फार्मूले से तुरंत एंटीबॉडी बना के उसको किल कर देते हैं। तो हमारा मेन टारगेट है उस फार्मूला को बनाना, शरीर उस फार्मूले को बनाता है। तो कब बनाएगा फार्मूला, जब शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करेगा। अब अटैक करने का दो तरीका है, एक तरीका है नेचुरल, जो हम सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे अनगिनत प्रकार के, अनजाने प्रकार के वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में जा रहे हैं, हमारा शरीर लगातार नए वायरस बैक्टीरिया अगर आ रहे हैं तो उनके लिए, पुराने आ रहे हैं तो उनके लिए भी एंटीबॉडी सर्च करता है, बनाता है, मार देता है, ये नेचुरल तरीका है। दूसरा है आर्टिफिशियल तरीका। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, देखिए मानव क्या सोचता है कि हम किसी बैक्टीरिया वायरस के लिए पहले से एंटीबॉडी बना के रख लें, जिससे अगर वो हमारे शरीर में आए तो बीमार करने का कंडीशन ही ना बने, क्योंकि नेचुरल तरीके से अगर कोई आता है एंटीजन तो हमारा शरीर भले ही एंटीबॉडी बना रहा है लेकिन हो सकता है वो देरी कर दे एंटीबॉडी बनाने में और हमारा शरीर बीमार हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले से बना के रखना है, इसके लिए शरीर को स्टिमुलेट करना है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल तरीका अपनाते हैं, इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस का जो एंटीजन है उसको लेते हैं, चाहे बैक्टीरिया को किल करके लें, वायरस को किल करके लें, या उनको वीक करके लें, या कैसे भी करके हम उसके एंटीजन को लेते हैं, लेकिन वीक करके ले, मार करके, और उसको शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। अब शरीर में वो एंटीजन पहुंचा, लेकिन वो एंटीजन ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि वो वीक किया हुआ है, तो वो बीमार तो नहीं कर सकता वो उतना सारा एंटीजन, लेकिन हमारा शरीर उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, फार्मूला बनाना शुरू कर देगा, अल्टीमेटली वो कुछ दिनों में फार्मूला बना लेगा। इस बीच में हम बूस्टर डोज भी देते रहते हैं, क्योंकि जो एंटीजन हमने दिया है शरीर में उसको हमारे शरीर के फैगोसाइटिक सेल्स खा के ख़त्म करते रहते हैं, तो हो सकता है वो एंटीबॉडी बन ना पाया हो, उससे पहले ही ख़त्म हो गया हो, तो बूस्टर डोज दे करके फिर से एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं अपन। एनी हाउ 2-3-4 बूस्टर डोज के बाद वो एंटीबॉडी बना लेता है, शरीर बीमार नहीं पड़ा क्योंकि एंटीजन कम मात्रा में दिया था, वीक दिया था, ग्रो नहीं कर पाया, बीमार नहीं पड़ा। जैसे मान लो टीबी का हमने एंटीजन डाल दिया शरीर में, ट्यूबरक्लोसिस का, ट्यूबरक्लोसिस हुआ नहीं लेकिन उस बैक्टीरिया के एंटीजन के लिए शरीर ने एंटीबॉडी बना लिया। अब मान लो कभी नेचुरल तरीके से हवा पानी वगैरह से टीबी का बैक्टीरिया शरीर में आया, तो एंटीबॉडी पहले से फार्मूला बना हुआ है, हम उस बैक्टीरिया को, वायरस को तुरंत किल कर देंगे। तो दो तरीका हुआ, एक तो जो ऑटोमेटिक हो रहा है हमारे शरीर में बचपन से अभी तक वो नेचुरल है, या हमने वैक्सीन के माध्यम से डेवलप कराया वो आर्टिफिशियल है,
लेकिन इन दोनों तरीकों में आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा शरीर खुद मेहनत कर रहा है, खुद वर्क कर रहा है और एनी हाउ एंटीबॉडी बना रहा है और फार्मूला स्टोर कर रहा है। तो ये है एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। दूसरे के शरीर ने एंटीबॉडी बनाया और आपको दिया। अब ये भी दो प्रकार का है, वैसे ही एक है नेचुरल, ठीक है, और दूसरा है आर्टिफिशियल। अब कैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल, देखिए भाई, आप जब गर्भ में थे तो आपकी माता जी ने प्लेसेंटा के माध्यम से कुछ एंटीबॉडी आपके शरीर में देते रहीं, विशेषकर IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, IgG, वो प्लेसेंटा के माध्यम से देती रहीं, वो अपने शरीर से बनाती रहीं, आपको देती रहीं, आप पैदा हो गए, उसके बाद भी 6 महीने तक उसने आपको प्रोटेक्ट किया। तो ये है नेचुरल तरीका कि नेचुरली आपको मदर ने दे दिया, आपको पता ही नहीं चला। दूसरा है आर्टिफिशियल, आपने किसी दूसरे जानवर में एंटीबॉडी बनाया। मान लो आपने क्या किया कि घोड़े को पकड़ लिया, घोड़े के ब्लड में आपने डिप्थीरिया का बैक्टीरिया वीक करके डाल दिया या ऐसी डाल दिया। अब उसका शरीर तेजी से एंटीबॉडी सर्च करेगा, बना लेगा, उसके ब्लड में एंटीबॉडी जैसे ही बनता है आप उसके ब्लड को लेकर के सेंट्रीफ्यूज करके एंटीबॉडी को निकाल के रख लिए। अब किसी बच्चे को डिप्थीरिया हुआ रियल में, उस एंटीबॉडी को जैसे ही बैक्टीरिया उसको बच्चे को आप इंजेक्ट करते हो, वैसे ही वो बैक्टीरिया बच्चा ठीक हो जाता है, वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है जो उसके शरीर में गया है। तो आप दूसरे के शरीर से जानबूझ करके एंटीबॉडी बनवा करके आप अपने शरीर में लेते हो बीमार पड़ने पर, तो वो आर्टिफिशियल है। लेकिन मदर ने अपने शरीर में बना के बच्चे को दे दिया, नेचुरल है। इन दोनों में बच्चे ने या हमने कोई वर्क नहीं किया, दूसरे ने वर्क किया, इसमें मदर ने वर्क किया, इसमें किसी जानवर ने वर्क किया और एंटीबॉडी बना के आपको दे दिया। तो आपका शरीर वर्क नहीं किया इसलिए ये पैसिव है। इस दोनों तरीके में आपके शरीर ने वर्क किया था इसलिए ये एक्टिव था। तो एनी हाउ एंटीबॉडी चाहे आपके शरीर ने मेहनत करके बनाया तो वो एक्टिव वाला हुआ, चाहे दूसरे के शरीर ने बना के दिया आपको एंटीबॉडी, इन दोनों में ही एंटीबॉडी ने आपकी शरीर की सुरक्षा की, बीमारी होने से या तो बचाई या बीमारी हो गई तो उसको ठीक कर दी। तो इन तरीके को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एंटीबॉडी बना करके या ले करके शरीर को ठीक करना ये एक्वायर्ड है, क्योंकि ये हम जन्म के बाद ज़्यादातर को हम पाते हैं। जरूर ये अलग बात है कि ये जो नेचुरल हमने कहा ये जन्म के पहले से ही हमको मिलता है, लेकिन फिर भी ये पाया हुआ है, मतलब कमाया हुआ है मदर से लेकर के या दूसरे से लेकर के या खुद डेवलप करके। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या दिया है उसके हिसाब से हम थोड़ा और बात कर लेंगे। इट इज़ ऑन द अदर हैंड इज़ पैथोजन स्पेसिफिक। अब पैथोजन स्पेसिफिक का क्या मतलब, अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनेगा, ये इसलिए पैथोजन स्पेसिफिक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। और जितने भी प्रकार का एंटीबॉडी हमने शरीर ने बना लिया, चाहे वो जन्म के एक दिन बाद कोई एंटीबॉडी बनाया, सर्च किया, फार्मूला बनाया, उसकी मेमोरी लाइफ के एंड तक रहती है हमारे शरीर में। इसलिए कभी भी अगर वायरस बैक्टीरिया वाला आया तो तुरंत उस फार्मूले से बना करके हम वायरस बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगे। तो मेमोरी टी सेल, टी लिम्फोसाइट का एक मेमोरी टी लिम्फोसाइट सेल होता है, उसमें ये मेमोरी स्टोर रहता है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। ठीक है, तो पहले तो कोई बैक्टीरिया वायरस आया शरीर में तो लो इंटेंसिटी का प्राइमरी रिस्पॉन्स मिला। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, हमारे जितने भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं ब्लड वगैरह में वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। उस बीच में हमारे जो शरीर की एंटीबॉडी फॉर्मिंग मशीनरी है, बी लिम्फोसाइट वगैरह, वो भी अपनी एक्टिविटी चालू कर देते हैं। अगर उनके पास फार्मूला है तो तुरंत बना देंगे, नहीं है तो सर्च करेंगे, लेकिन एंटीबॉडी बनाने का काम वो भी शुरू कर देते हैं। तो शुरू में ये रिस्पॉन्स धीमा होता है, स्लो होता है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसाइट ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। पहली बार में हमने धीमे रिस्पॉन्स किया, एंटीबॉडी बना रहे हैं ना अपन, इसमें मेन एंटीबॉडी को देखना है अपना। तो शुरू में हमने धीमे से एंटीबॉडी बना पाया जो पहली बार बैक्टीरिया वायरस आया, तो क्योंकि फार्मूला बनाना था हमको, तो पहला रिस्पॉन्स धीमा था। लेकिन जब वो एंटीबॉडी बना लिया, उसको किल कर दिया, अब दोबारा कभी 2-4, 10 दिन, 2-5 साल में आया वो बैक्टीरिया, तो हम तुरंत रिएक्शन करते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला बना हुआ है,
तुरंत बना के उसको मारेंगे। तो सेकंड वाला जो है एकदम से एनामनेस्टिक रिस्पांस होता है, एकदम तेज और तुरंत रिएक्शन होता है। दिस इज एस्क्राइब्ड टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो कभी भी बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक कभी भी पहला जो एनकाउंटर हुआ था उसमें हमने किस एंटीबॉडी से मारा था इसकी मेमोरी हमारे शरीर में है। इसके कारण से हमारा शरीर तुरंत एंटीबॉडी बनाने में सक्षम है क्योंकि फार्मूला हमारे पास पहले से रखा हुआ है। ये उस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जिसकी बात हम अभी तक कर रहे थे। ये एंटीबॉडी गामा ग्लोब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बनता है शरीर में, ठीक है। देखिए अब इसमें कैसा स्ट्रक्चर है मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक जो है एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है, ये वाई के आकार का है। आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे वाई के आकार का ये शेप है, पहली बात ये। दूसरी बात, इसमें चार चेन्स हैं, फोर चेन्स। ये दो चेन जो हैं ये हेवी चेन्स हैं, आप देख सकते हैं बड़े चेन्स हैं, और ये दो चेन हैं ये लाइट चेन हैं। ये चेन्स आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में सभी चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, पहली बात, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो एंटीबॉडी है इसके ये जो दो सिरे हैं, जो दो आर्म हैं, इसमें एंटीजन बाइंड होते हैं। मतलब जैसे कि ये कैप होता है इसका, ये कैप है जैसे, ठीक है। इस कैप में ये टेम्पलेट है, ये मान लो एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, तो ये एंटीजन आके इसमें फिट होगा, ऐसा इसमें एक सॉकेट बना होता है, और यही सॉकेट स्पेसिफिक होता है। मतलब इस सॉकेट में अगर ये एंटीजन, ये बैक्टीरिया फिट हो सकता है तो दूसरा एंटीजन या दूसरा बैक्टीरिया इसमें फिट नहीं हो सकता है। इसलिए एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब जिस प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया के लिए बना है वही उसमें फिट हो सकता है, दूसरा उसमें फिट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एंटीजन स्पेसिफिक है। एंटीजन होते हैं बैक्टीरिया वायरस में जो मेन चीज होता है वो एंटीजन होता है, जिसके कारण से हमारा शरीर बीमार पड़ता है, वही एंटीजन इसमें बाइंड होता है। तो इसमें जब ये एंटीजन ऐसे बाइंड हो जाएगा तो ये जो एंटीबॉडी है उस एंटीजन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। और अगर एंटीजन टुकड़े में ब्रेक हो गया तो अब वो हमारे शरीर को बीमार नहीं कर सकता, हमारे शरीर के फिजियोलॉजी को चेंज नहीं कर सकता है और ना तो ग्रो कर सकता है। इसलिए शरीर में जितने भी वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं ज़्यादातर वो इस तरह से नष्ट कर दिए जाते हैं, या तो फेगोसाइटिक सेल पकड़ के खा जाते हैं या एंटीबॉडी से जुड़ के वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर समय में हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी कभी कोई थोड़ी मोड़ी बीमारी आपको लगे रहती है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। बुढ़ापे में तो अब लास्ट स्टेज में तो खैर लोग बीमार पड़ते ही हैं, मरते ही हैं, उसकी अलग बात है, क्योंकि ये सब चीज़ का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरे चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंटीबॉडी कैसा बना हुआ है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा टी लिम्फोसाइट के बारे में बता दूं। हमारे शरीर में जो टी लिम्फोसाइट है, एक तो होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है। दूसरा होता है किलर, किलर टी लिम्फोसाइट। तीसरा होता है सप्रेशर टी लिम्फोसाइट, और चौथा होता है मेमोरी टी लिम्फोसाइट। इतने प्रकार के टी लिम्फोसाइट हैं, ठीक है। इसमें जब बैक्टीरिया डायरेक्ट आता है या वायरस आता है उनको डायरेक्ट किल करने का काम करता है किलर टी लिम्फोसाइट, उनके साथ जुड़ जाता है ये और उनको टुकड़े टुकड़े में तोड़ करके और उसको फैगोसाइटिस द्वारा खा के नष्ट कर देता है। इसके अलावा जितने भी मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है शरीर के, और भी जो मैंने आपको फैगोसाइटिक सेल्स बताए, वो सब भी यही काम कर रहे हैं, खा करके डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये शरीर में बिखरे पड़े रहते हैं, सब तरफ घूमते रहते हैं। तो ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है ये मैसेज पहुंचाता है। किसके पास मैसेज पहुंचाता है? एक किलर टी लिम्फोसाइट के पास मैसेज पहुंचाता है और दूसरा बी लिम्फोसाइट के पास मैसेज पहुंचाता है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट भी वहां पर आएगा
और एंटीबॉडी बनाने का काम शुरू करेगा या तुरंत बना के देगा या बाद में बना के देगा, लेकिन देगा बना के। तो बी लिम्फोसाइट को सूचना देना, मैसेज देना, और किलर टी लिम्फोसाइट को सूचना देना, मैसेज देना, यह हेल्पर टी लिम्फोसाइट का काम है। अब जब ये अपना काम कर लेते हैं, काम इनका खत्म हो जाता है, विशेषकर किलर टी लिम्फोसाइट का काम खत्म हो जाता है, तो ये जो सप्रेसर टी लिम्फोसाइट है ये किलर टी लिम्फोसाइट को सप्रेस करता है। क्योंकि अगर ज़्यादा काम करेगा ये तो हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए काम खत्म होने के बाद तुरंत उसके काम को बंद करना पड़ता है। तो वो काम करता है सप्रेसर टी लिम्फोसाइट, जो किलर टी लिम्फोसाइट के काम को बंद कर देता है। उसके बाद क्या हुआ, ये कोई बात नहीं है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर बंद हो गया है, कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था कि ये जो मेमोरी टी लिम्फोसाइट है ये उस मेमोरी को अपने में स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब देखिए किस मेमोरी को स्टोर करता है, कि हमने किस प्रकार के एंटीबॉडी का उपयोग किया, किस प्रकार की एंटीबॉडी का फार्मूला बनाया, उस फार्मूले को स्टोर करता है ये मेमोरी टी लिम्फोसाइट। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, हेल्पर ने मैसेज दिया, किलर ने आके खत्म किया, बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाया, सप्रेसर ने काम को बंद कराया, मेमोरी टी सेल ने मेमोरी स्टोर कर लिया। तो किलर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ने मेन फंक्शन किया, यहां पर मारने का काम किया, बाकी सब ने इनका हेल्प किया मेमोरी को स्टोर करने का काम किया। तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये काम इन दोनों सेल्स के द्वारा हो रहा है, जिनको हमने कहा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये हमने कहा, ठीक। द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ द प्रोटीन्स इन द रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस इन टू अवर बॉडी आवर ब्लड टू फाइट विथ देम, और यही प्रोटीन है एंटीबॉडीज, जो गामा ग्लोब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बनता है, ठीक है। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बनता है। द टी सेल्स देम सेल्स डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम, ठीक है। टी सेल्स खुद ही इसको सिक्रीट नहीं करते, अभी मैंने बताया, लेकिन इनको मदद करते हैं। कैसे मदद करेंगे, एक तो मैसेज देने का काम करते हैं जो हेल्पर वाले हैं, दूसरा मेमोरी टी सेल उनकी मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है, फार्मूले के मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। इसलिए टी लिम्फोसाइट जो है डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इनकी मदद जरूर करता है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज फोर पेप्टाइड चेन्स, देखिए मैंने अभी आपको बताया फोर पेप्टाइड चेन है, दो हैवी चेन दो लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, टू स्मॉल चेन्स लाइट चेन्स एंड टू लॉन्ग चेन्स हैवी चेन्स, हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, हैवी टू लाइट टू H2L2 इससे रिप्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडीज, देखिए अब एंटीबॉडीज भी कई प्रकार के होते हैं, IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD भी होता है, इसमें नाम नहीं लिखा है, आर सम ऑफ देम, इसमें नाम मैं आपको बताता हूँ। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, A का मतलब अल्फा, M का मतलब म्यू, E का मतलब एप्सिलॉन, G फ्रॉम गामा और एक D भी होता है फ्रॉम डेल्टा। इतने प्रकार के इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमारे शरीर में बनते हैं, इनमें सबसे हेवी चेन जो होते हैं, सबसे बड़े वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं IgM, ठीक है, सबसे बड़े मॉलिक्यूल हैं, हालांकि संख्या में कम होते हैं, और सबसे छोटे और सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो IgG है, और यही प्लेसेंटा के माध्यम से चला जाता है बच्चे में, मदर से बच्चे में, ठीक है। IgE जो है एप्सिलॉन वाला, ये बहुत कम अमाउंट में रहता है, लगभग नहीं के बराबर, 0.05 अमाउंट में है परसेंट में, और ये एलर्जी रिस्पॉन्स में भाग लेता है, एलर्जी में। और IgA जो है ये रहता है मिल्क में, मदर मिल्क में, कोलोस्ट्रम में रहता है, जो बच्चे में इम्यूनिटी को डेवलप करने में मदद करता है। ए कार्टन ऑफ सम एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर 8.4, ठीक है, आगे कुछ इसके बारे में और बताएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज, एक मिनट, ये 8.4 यही है,
इसी को बता रहा है, वो अलग से चार्ट नहीं है इस बुक में, नहीं है एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, वो दूसरे बुक में एक है, मैं कहीं मौका मिलेगा तो चार्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ह्यूमरल एंटीबॉडी बनना और उसके द्वारा किल करना, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है। और जो मैंने कहा था फेगोसाइटिक सेल्स अपना काम करते हैं, खाकर ख़त्म करते हैं, वो सेल मेडिएटेड कहलाता है, क्योंकि वो सेल्स का काम है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मेडिएटेड, ठीक है। एंटीबॉडी मेडिएटेड वाला ह्यूमरल कहलाएगा। द सेकंड टाइप इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। द टी लिम्फोसाइट्स मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये मेन है, ठीक है। क्योंकि ये जो ह्यूमरल है एंटीबॉडी वाला, ये बी लिम्फोसाइट द्वारा होता है, और बाकी जो होते हैं जनरली वो टी लिम्फोसाइट के द्वारा होते हैं। तो दो प्रकार के यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली, ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू एनेबल द पेशेंट टू लाइव ए नॉर्मल लाइफ। देखिए, जब ऑर्गन डोनेट किया जाता है तो क्या होता है, डोनर का ऑर्गन लेके लगाया जाता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, उस ऑर्गन को फॉरेन बॉडी के रूप में आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि उसके टिश्यूज, उसके सेल्स, उसके क्रोमोसोम्स अलग हैं, हमारा शरीर उसको फॉरेन बॉडी मानता है। अब कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारे शरीर में आता है तो हमारा ब्लड उसके लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, उसको किल करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। मतलब जैसे किसी से किडनी लेके फिट कर लिया तो उस किडनी के विरुद्ध जो है हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, और उस किडनी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लिया हुआ किडनी भी अब खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, इम्यून सप्रेशर मेडिसिन देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, और उसमें एंटीबॉडी बनने की जो फंक्शन है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। अब उससे क्या होगा कि वो जो ऑर्गन लिया है उसके विरुद्ध भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और वो ऑर्गन फिर शरीर में काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको तो ये सरल लग रहा है, लेकिन आप सोचिए कि अगर हम अपने शरीर में एंटीबॉडी बनने को रोक देंगे तो हम दूसरे डिजीज से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि शरीर में सिर्फ जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, एंटीबॉडी बनना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो शरीर में जो दूसरे बैक्टीरिया वायरस अटैक करते हैं ना, वो हमारे शरीर को तरह तरह से बीमार करने लगते हैं, फिर उनसे बचाने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देता है, और बाहर से लिए हुए और भी दूसरे केमिकल्स, मतलब बनाए हुए केमिकल्स देने शुरू कर देते हैं। मतलब लगातार उस व्यक्ति को जिंदगी भर थोक में बहुत सारा दवाई रोज खाना पड़ता है, करीब महीने का 25-30 हज़ार रुपये की दवाई आज के डेट में 2020 की कीमत में बता रहा हूँ, ये हर रोज हर महीने उस व्यक्ति को खानी पड़ती है। ये चीज़ें डॉक्टर जो हैं ट्रांसप्लांटेशन से पहले नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब होता है कि जितना ज़्यादा हो सके चीज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन का मतलब 25-30-40 लाख-50 लाख का खर्चा है, क्योंकि जो डोनर है उसको पैसे देने पड़ते हैं कई बार, है ना, डॉक्टर है उसकी फ़ीस है, हॉस्पिटल की फ़ीस है, सब ऑपरेशन की फ़ीस है, मतलब बहुत खर्च आता है। तो ये सब पैसे वालों के चोचले हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, एक तो उन्हीं के किडनी लीवर जल्दी ख़राब भी होते हैं, और वही जो है इसको ट्रांसप्लांट भी करा पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये है कि अगर हम आई डोनेट करते हैं और किसी से आई कोई लेता है, तो मैं आपको बता दूं कि आई डोनेशन में जो दिया जाने वाला ऑर्गन है वो आँखों की कॉर्निया है, और कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। मतलब अगर हम कॉर्निया लेकर के किसी के में लगा देते हैं तो वो कॉर्निया उसके शरीर में इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, इसलिए उसका शरीर उसको फॉरेन बॉडी पहचान नहीं पाएगा फॉरेन बॉडी के रूप में, और ना तो एंटीबॉडी बनाएगा। मतलब किसी का भी कॉर्निया लेकर के किसी के शरीर में लगा दिया जाए तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि अगर हम अपनी आँखें डोनेट करें तो मरने के बाद वो आँखें निकाल ली जाएंगी और एक एक आँख दो अंधों में फिट की जाएगी, मतलब दो लोग आपकी खूबसूरत आँखों से खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं।
इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर ये बोल के जाइए कि हम आंखें डोनेट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इतना बोल भी देंगे किसी को कि मैंने आंखें डोनेट कर दिया, मतलब डोनेट हो गया, फिर वो मरने के बाद डॉक्टर आएंगे, आपकी आंखें निकाल के ले जाएंगे और किसी में फिट कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो अपने किसी रिलेटिव को, जो आपका क्लोज रिलेटिव है, अगर उनकी डेथ होती है तो भी आप अपने तरीके से उनको डोनेट कर सकते हैं। अगर वो बोल के नहीं गया है तो भी आप बोल सकते हैं, डॉक्टर को बुला सकते हैं कि आप आंखें ले जाइए इनकी निकाल करके। वो अधिकार होता है रिलेटिव के पास या खुद के पास, ठीक है। ये है उसी के बारे में लिखा है कि यहाँ पर है ट्रांसप्लांटेशन, देन ए सर्च बिगिंस टू फाइंड ए सुटेबल डोनर। जब हमको किसी का अंग लेना है तो डोनर पहचानी जाती है, डोनर सर्च की जाती है। तो डोनर जब सर्च की जाती है ना, तो उनके टिश्यूज की और ब्लड की मैचिंग की जाती है। ये ब्लड टिश्यू जितना ज़्यादा मैच करता है, जितने ज़्यादा क्लोज रिलेटिव रहेंगे उतने ज़्यादा मैच करेगा, तो वो एंटीबॉडी बनाने का जो मतलब वो है, स्पीड है, रेट है, वो उतनी कम रहेगी। मतलब वो अपना मानने के लिए वो ज़्यादा तैयार होगा, शरीर एकदम से रिजेक्ट नहीं करेगा, एकदम से ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। मतलब इम्यून सप्रेसर दवाइयाँ लेने के जरूरत कम पड़ेगी। और एकदम अगर सिमिलर ट्विन्स हैं, एकदम जुड़वे हैं एक जैसे, तो उनका ऑर्गन ले लेंगे तो अपना ही मानेगा, क्योंकि उनके जेनेटिक्स सेम है, उनकी जीन सेम है। व्हाई इज इट दैट द ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनी बॉडी? तो किसी से भी क्यों नहीं लेते? इसका मैंने अभी कारण बताया कि जितने ज़्यादा डिफरेंट टिश्यूज रहेंगे, क्रोमोसोम्स रहेंगे, उतना ज़्यादा रिजेक्शन होगा। व्हाट इज दैट द डॉक्टर चेक? क्या चेक करता है? टिश्यूज चेक करता है, ब्लड चेक करता है, मैचिंग कराता है। ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, एन अदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बींग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट्स वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। मैच नहीं करेगा, शरीर रिजेक्ट कर देगा। टिश्यूज मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनो सप्रेशर ऑल हिज हर लाइफ। पूरे जिंदगी भर खाना है भाई, कोई आसान लाइफ नहीं है। अगर किडनी लेके फिट भी कर दिया, बस खुश रहे कि किडनी मेरे में आ गया है, किडनी काम कर रहा है, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट लाइफ है उसका। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है शरीर में किसी का ऑर्गन लेके फिट कर लेना, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। और इसको चलिए एक बार थोड़ा सा फटाफट पढ़ा देता हूँ मैं। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, तो अभी मैंने बताया कि खुद का शरीर अगर एंटीबॉडी बनाता है तो एक्टिव है, दूसरे के शरीर से बना के लेते हैं तो पैसिव है ना। व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। तो जैसे ही एंटीजन आता है, शरीर एंटीबॉडी बनाता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है तो एक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। क्योंकि अगर फार्मूला नहीं है तो फार्मूला बनाने में समय लग सकता है, लेकिन अगर फार्मूला है तो हम एंटीबॉडी थोड़ा जल्दी बना पाते हैं। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शन ऑर्गेनिजम्स गैनिंग एक्सेस इन टू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो ही एक्टिव इम्यूनिटी मैंने कहा ना कि नेचुरल तरीके से आएगा तो नेचुरल है, वैक्सीनेशन से लिए तो आर्टिफिशियल है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन एजेंट्स, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो दूसरे के शरीर से बना हुआ एंटीबॉडी लेते हैं तो पैसिव है। डू यू नो व्हाई मदर मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट्स? क्योंकि इनमें रहते हैं IgG, IgA और ये शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इम्यूनिटी को चालू करते हैं। द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज एबंडेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। जब बच्चा होता है उसके एक दो दिन पहले और एक दो दिन बाद तक एक पीले रंग का गाढ़ा मिल्क आता है मदर के ब्रेस्ट से, वो कहलाता है कोलोस्ट्रम। उसमें एंटीबॉडीज भरमार तरीके से भरे होते हैं। अगर बच्चा वो कोलोस्ट्रम पी लेता है, मतलब उसके शरीर में इम्यूनिटी ट्रिगर कर जाती है, इम्यूनिटी चालू हो जाती है, आप ये कह सकते हैं। द फीटस आल्सो रिसीव्स सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी IgG है वो, ठीक है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो दूसरे के शरीर से एंटीबॉडी मिलना
ये हमारी पेशी इम्यूनिटी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिटेल चार्ट बना के भी बताया थोड़ा सा। अब आगे की जो चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये मैंने आपको कुछ हद तक बता भी दिया है और अगले वीडियो में हम इसकी और डिटेल चर्चा करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें प्लीज़, है ना। शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दिया करें, इससे मेरा चैनल बूस्ट होता है, किसी का भी चैनल, है ना। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।